कल 2 अक्टूबर है, याद है ना? 2 अक्टूबर कल ही के दिन विजय उसका परिवार सत्संग गए थे, वहां पाव भाजी खाए थे और 3 तारीख को 3 अक्टूबर को वापस आए थे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का अजय देवगन के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अजय देवगन एंड अक्षय कुमार दोनों के पास एक एक दर्जन फिल्में हैं अभी फिलहाल, एंड उनमें जो बहुत सारी फिल्में बनके तैयार भी है एंड रिलीज के कगार पर है। सभी लोगों को पता है हाल ही में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड का जो रिलीज डेट है वो अनाउंस किया गया था, एंड थैंक गॉड इज क्लैशिंग विद अनदर देन अक्षय कुमार राम सेतु और दिवाली 2022। अब गाइस दिवाली जो है वो 24 अक्टूबर को आने वाली है, एंड गाइस ये फिल्में शायद 22 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर जो फ्राइडे है ट्रेडिशनल रिलीज डे उसी पर रिलीज होने वाली है। अब गाइस इन क्विक सक्सेशन 1 महीने के एग्जैक्ट बाद, यस फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 का रिलीज डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। गाइस दृश्यम 2 में और साउथ की दूसरी फिल्म जो है जो हमारे बॉलीवुड में रीमेक होती है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल निकम्मा ले लीजिए, निकम्मा कैन बी अ टॉर्चर इफ यू हैव सीन एमसीए, या फिर एमसीए नहीं भी देखी है तो आपके लिए टॉर्चर हो सकता है। जर्सी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जरा भी नहीं मन कर रहा था कि जर्सी में पूरी देखू शाहिद कपूर के बैठ के, क्योंकि सीन्स क्या सेट्स क्या ऐसा लग रहा था कि हाथ में मोबाइल में देख लो सामने जर्सी चल रही है। लेकिन गाइज यहाँ पर जब दृश्यम 2 की बात आती है या फिर कोई भी फिल्म जो रीमेक होती है उसका जो सीक्वल की बात आती है, तब गाइज एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी जो है अंदर से डेवलप हो जाती है। क्योंकि गाइज अजय देवगन कैरेक्टर, स्पेशली जो पूरा परिवार जो सत्संग में जाता है, दृश्यम 1 के डायलॉग्स, उनपे जितने भी मीम्स बने हैं, सारी की सारी चीजें अब ऑडियंसिस के दिलों में घर कर लिया है उन्होंने। जब भी दृश्यम आती है टीवी पर आदमी बैठ ही जाता है देखने के लिए अजय देवगन की। एंड गाइस जिस तरह का एक वो उन्होंने ऑरा क्रिएट किया था दृश्यम 1 ने, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर दृश्यम 2। तो अब गाइस दृश्यम 2 जो है ये उन हिंदी रीमेक्स की तरह नहीं है जो ऑडियंस को देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ओरिजिनल देख ली है। यहाँ पर अजय देवगन का कैरेक्टर, दृश्यम 1 की यादें, एग्जैक्टली किस तरह से पूरा परिवार अब आगे जाएगा, जो बेटी थी वो अभी किस तरह से आगे जाएगी। ऑब्वियसली बेटी भाई बड़ी हो गई है, अब उनकी शादी भी हो गई वत्सल के साथ, तो यहाँ पे इशिता दत्ता जो है वो अभी किस तरह से आगे जाएंगी, सेकंड पार्ट में क्या होगा, अजय देवगन का कैरेक्टर जो है वो अभी ऑब्वियसली बड़ी दाढ़ी रखी है उन्होंने, एंड साथ में तब्बू वापस आएंगी इस फिल्म में, एंड इस फिल्म में सबसे बड़ा जो मेजर अट्रैक्शन है वो है अजय देवगन वर्सेस अक्षय खन्ना, वो जोड़ी जिसने दीवानगी नाम की एक फिल्म है अगर आपने नहीं देखी है फौरन जाके आप लोग देखो, जहां पर भी अवेलेबल है बाप लेवल, स्टार्टिंग 10-15 मिनट तो मजा आ जाता है, लेकिन पूरी फिल्म मजेदार थी। अरे भैया उसको अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था, तो वो एक अलग ही अनीस भाई की फिल्म थी। तो अब वो जोड़ी जो है वापस आने वाली है, यहाँ पे अजय देवगन वर्सेस अक्षय खन्ना है, तब्बू बीच में आएंगे, एंड मजेदार फिल्म होगी। जिन्होंने ओरिजिनल देखी है मोहनलाल जी की, अब सभी लोगों को मालूम है कितनी मजेदार फिल्म है, एंड मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि अजय देवगन ये जो सेकंड पार्ट है उसमें किस तरह की एक्टिंग करते हैं। ऑब्वियसली इस फिल्म को यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं कुमार मंगत जी के सुपुत्र अभिषेक पाठक, तो ये उनकी आई थिंक पहली फिल्म है जो डायरेक्ट करने वाले, इट्स अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर, एंड गाइस इस फिल्म को लिखा है आमिर कियान खान ने। आमिर कियान खान से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी रनवे 34 में, लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने इतना स्ट्रेच्ड राइटिंग थी, इतनी लंबी राइटिंग थी, ऑलमोस्ट इट वॉज बिकमिंग वेरी टफ टू सिट इन द सिनेमा हॉल। मेरी यही उम्मीद रहेगी दृश्यम 2 के मेकर्स से कि वो इस फिल्म को लंबा ना बनाए, बोरिंग ना बनाए, इंटरेस्टिंग सीन्स रखे, अनवांटेड सीन्स ना डाले, एंड जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का वो काफी क्विक रखे, कैंटीन वाला सीन रखे, जो पुलिस स्टेशन के सीन्स है वो जो सीन्स है, फैमिली जो रीग्रुपिंग है वो कॉमेडी सीन्स ज्यादा रखे आप लोग, एंड जो थ्रिल एलिमेंट है इस फिल्म का उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, एंड फिल्म को जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट टू द पॉइंट रखे, दिस फिल्म विल डेफिनेटली वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। क्योंकि दृश्यम 1 ने जो एक फैन बेस बनाया है अपना वो एक अलग लेवल पर है, पीपल विल गो टू वॉच दृश्यम 2 जबकि उनको पता है कि मोहनलाल जी की फिल्म में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ऑडियंस एक्साइटमेंट विल बी देयर। तो ये एक ऐसा लौटा सीक्वल है जो कि रीमेक होने के बावजूद भी ऑडियंस की एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रखेगा, एंड बहुत जल्दी अच्छा वो रिलीज कर रहे हैं फिल्म, क्योंकि गाइस जब जो ओरिजिनल है वो थ्रिलर है एंड वो ऑलरेडी आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया है, जितना जल्दी हो सके उतना रिलीज करें। मैं चाहता हूं आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ कमल हसन्स विक्रम ही शुड ऑल्सो जम्प एंड मेक यू नो दृश्यम 2, क्योंकि कमल हसन का जो परफॉर्मेंस था ना, आई थिंक पापा नासम द पिक्चर का नाम,
वो अलग लेवल पे था. ही जस्ट रेज द लेवल टू अनदर लेवल. ऑल लेजेंड्स ओनली हैव गिवन दीज परफॉर्मेंसेस. दृश्यम, मोहनलाल, कमल हसन, अजय देवगन विल इमोट थ्रू हिज आईज, विक्ट्री वेंकटेशन वहां पर, रविचंद्र जी है कन्नड़ा वर्जन में. तो एक पूरा दृश्यम यूनिवर्स जो बना है जीतू जोसेफ का, वो काफी मजेदार है. हर वर्जन में आदमी अपना बेस्ट परफॉर्म करता है एंड फिल्में हमेशा अच्छी बनती है. तो अभिषेक पाठक के कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है. लेट्स सी 18 नवंबर को क्या होता है. कोई भी क्लैश नहीं है, नॉन हॉलीडे फिल्म है. अजय देवगन, आई थिंक दिस फिल्म विल बी सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस. सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दृश्यम 2? एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.